तो लो सबका स्वागत है, दिस इज द ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया। भाई एक सीडान व्हीकल है भाई, इसका मॉडल की बात करो तो स्टाइल है, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। जहाँ इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करो तो इसमें आपको स्कोडा का लोगो आता है जो कि सिल्वर फिनिश में आता है, इसमें आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन आता है। जहाँ ग्रिल की बात करो कुछ इस तरह से आपको इस गाड़ी की ग्रिल देखने को मिलती है भाई। जहाँ हेडलैम्प्स की बात करो इसमें आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर आते हैं, विद दी बोथ साइड में आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। फॉग लैंप की बात करो तो इसमें आपको फॉग लैंप आते हैं जो कि आपको हैलोजन में मिलते हैं, इसमें आपको कोई भी एलईडी का फॉग लैंप देखने को नहीं मिलता है भाई। जो कुछ है ये एरोडायनामिक के शेप में आपको देखने को मिलती है भाई। जहाँ साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी का आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है, इसमें आपको बॉडी कलर आपको और भी देखने को मिलते हैं, इसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। और जहाँ इस साइड की बात करते हैं इसमें थोड़ा सा आपको क्रोम फिनिश में आपको इस गाड़ी में आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है, इसमें आपको ऑब्वियसली इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। जहाँ टायर साइज की बात करें इसमें आपको इस तरह के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। और जहाँ इस गाड़ी की साइज की बात करें इसमें आपको R16 इसके टायर साइज देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से इस गाड़ी का आपको अलॉय के डिजाइन देखने को मिलते हैं, इसमें आपको फेंडर पे स्कोडा का बैजिंग देखने को मिलता है भाई। जहाँ इसमें आपको बात करें इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बस रिक्वेस्ट करके आप इसके अंदर जा सकते हो भाई। जहाँ इंटीरियर की बात करते हो कुछ इस तरह से इस गाड़ी का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है भाई। ये टॉप एंड वेरिएंट है ऑब्वियसली, इसमें आपको ऑटोमेटिक सीट वगैरह सब देखने को मिलती है भाई। चाबी उनके पास है, चाबी तो देंगे नहीं, तो चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। तो भाई कुछ इस तरह से इस गाड़ी का इंटीरियर भाई काफी कंफर्ट इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, बस इसमें आपको एक प्लस ब्रेक पैडल, एक एक्सीलेटर पैडल मिलता है, एक नेट पैडल आपको इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है भाई। भाई इस तरह से कुछ बॉडी कलर आपको इसमें हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, ये जस्ट पार्किंग डी सब इसमें आपको एंगेज कर सकते हो। और टच स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको 12 इंच की टच स्क्रीन आती है। एसी वेंट्स की बात करो कुछ इस तरह से आपको एसी वेंट देखने को मिलते हैं। एमआईडी की बात करें तो स्टूडियो की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका एमआईडी देखने को मिलता है भाई। ये चालू तो नहीं होंगी, यहाँ से आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, बटन तो उनके पास ही है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। जहाँ इसकी बात करें इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले मिलता है, कारप्ले भी मिलता है। इसकी बात करें इसमें आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है जो कि आपका आईआरवीएम देखने को मिलता है भाई। इस वेरिएंट में आपको सनरूफ भी देखने को मिलती है। जहाँ वाइजर की बात करें तो सनवाइजर की बात करते इसमें आपको मिरर मिलता है, कोई भी लाइट का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको दिया गया नहीं है। ड्राइवर साइड की बात करें इसमें आपको कोई भी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता है भाई। सबसे खास बात इसमें आपको वेंटिलेशन सीट मिलती है, सिर्फ आपको ड्राइवर को ड्राइवर साइड में आपको देखने को मिलती है, बाकी रियर की बात करें इसमें कोई भी नहीं मिलता। जहाँ ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है जो कि आप कूलिंग की इसकी बात करें इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है ब्लैक कलर में। और डोर हैंडल की बात करें इसमें आपको सिल्वर फिनिश के डोर हैंडल देखने को मिलते हैं, इसमें भी आपको सेम डोर हैंडल सिल्वर कलर में देखने को मिलते हैं। इसकी बात करते इसमें आप आयर ओवर भी ऑपरेट कर सकते हो इसमें मैनुअली, इसमें आपको कोई भी ऑटो अप डाउन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें आप साइड सेफ्टी के लिए इसमें आपको ये कर सकते हो भाई। इसमें आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं, इसमें आप सनरूफ चालू तो नहीं करेंगे। लाइट की बात करें तो लाइट भी चालू नहीं इस गाड़ी में भाई, सब डेमो के लिए खड़ी करके बाकी कुछ नहीं है। इसमें भी आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं। जहाँ रियर की बात करें तो भाई कुछ रियर का स्पेस इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जहाँ एक भाई टोटली सीट पूरी पीछे थाई एंड सपोर्ट की बात करें तो काफी अच्छा इसका थाई एंड सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है, इसमें आप दो बॉटल होल्डर करके बॉटल होल्ड कर सकते हो। जहाँ फ्रंट कैबिन की बात करें तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी का फ्रंट कैबिन देखने को मिलता है भाई। नज़ारे की बात करें तो काफी अच्छा नज़ारा इस गाड़ी में को देखने को मिलता है भाई। इसमें आपको एलईडी आते हैं भाई, वो चाबी उनके पास है, चाबी तो देंगे नहीं अपन को, ये डेमो में गाड़ी खड़ी है। जहाँ इसकी बात इसमें आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलती है बोथ दी साइड में। रियर एसी की बात करें इसमें रियल एसी देखने को मिलती है, और इसमें आपको चार्जिंग के लिए दो सी पॉड्स दे गए हैं जो कि सी आते। पीछे की बात करें इसमें कोई भी वेंटिलेशन सीट नहीं आता है, एक्चुअली टॉप एंड वेरिएंट है, स्टाइल इसका वेरिएंट है। जहाँ इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का इस गाड़ी में आपको इंजन देखने को मिलता है। तो भाई बूट्स की बात करें भाई, जहाँ बैक प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको बैक प्रोफाइल देखने को मिलता है। इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बो इंजन देखने को मिलता है इस गाड़ी में। जहाँ इसकी टेल लैम्प की बात करूँ कुछ इस तरह से गाड़ी का आपको टेल लाइट देखने को मिलते हैं। इसमें आपको स्कोडा लियो बैजिंग मिलती है। जहाँ इसकी बात करूँ इसमें आपको स्लाविया की बैजिंग देखने को मिलती है। एक सेडान व्हीकल में आपको तीन पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं भाई। जहाँ को ड्राइवर साइड की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको प्रोवाइडर सीट देखने को मिलता है भाई। जहाँ इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बो इंजन मिलता है। जहाँ बीएचपी की बात करते हो 148 बीएचपी गाड़ी जनरेट करती है। और जहाँ टॉर्क की बात करो 250 एनएम का टॉर्क की गाड़ी आराम से जनरेट करती है। ये फोर सिलेंडर इंजन टर्बो में आपको इस गाड़ी का इंजन देखने को मिलता है।
भाई आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। ऐसे न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।